Thank you.
बाबा जी, माया को जीतने से आधा कल्प कैसे जीत पाएंगे? माया को जीतने से, माया को जीतने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें 63 जन्मों का हिसाब किताब सामने आता है ना। जब हिसाब किताब सामने आता है तो अब वो हमको जीतने नहीं देता। शूटिंग कौन सी हो जाती है? रामराज्य की शूटिंग होगी या रावण राज्य की शूटिंग होगी? अगर हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं तो माया के प्रभाव में आने के कारण आधा कल्प से ज्यादा हम प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो आधा कल्प की पूरी प्राप्ति करेंगे। बाकी 63 जन्मों की जो कमजोरी आत्मा में भरी हुई है वो हमारा मुकाबला करती है। हम कहते हैं माया मुकाबला करती है, माया विघ्न डालती है। माया थोड़ी विघ्न डालती है, कौन विघ्न डालता है? हमारे अपने अंदर की कमजोरी विघ्न डालती है। हमारे अंदर ही जैसे रावण समाया हुआ है जिसे हम निकाल नहीं पाते हैं। समाधान हुआ? हाँ भाई, मुसलमान लोग घोड़े के ऊपर हाथ दिखाते हैं। अश्रु कहा जाता है क्या? हमारा यज्ञ का नाम क्या है? अश्वमेध है। मेध माना स्वाहा करना। किसको स्वाहा करना है? मनरूपी घोड़े को स्वाहा करना है। जो मनरूपी घोड़ा है उसके ऊपर सवारी दिखाई है उन्होंने किसकी? पांच विकारों रूपी हाथ की। माने वो बुद्ध रूपी हाथ कैसा है जिसे पांच विकार खड़े हुए हैं? इंदिरा गांधी ने भी क्या बनाया था? सिंबल, हाथ का सिंबल बनाया था। 1976 में किसका राज्य था? इंदिरा गांधी का राज्य था। इंदिरा गांधी का मुकाबला किसने किया? गुजरात से निकले जयप्रकाश नारायण ने मुकाबला किया। तो हाथ उन्होंने सिंबल बनाया। ये पांच विकारों की निशानी है, इसलिए जब भी ताबूत उठाते हैं, ताजिया बनाते हैं तो उसमें भी ऊपर पांच विकार रूपी वो हाथ दिखाया जाता है। ब्रह्मा का जो आयु संसार में संपूर्ण होता है, तो प्रजापिता का तो 76 में हो जाता है और ब्रह्मा बाबा के तो 89 में होता है। और दूसरे ब्रह्मा जो है ना, उनका आयु तो ब्रह्मा मुख्य दो ही है, एक जगदम्बा और एक जगत पिता। तो जगत पिता जो है वो तो 36 से ही मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो वो तो हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। आम बीज प्रजापिता, सारी सृष्टि का पिता हो गया आदि में, आदि पिता, आदि देव। फिर 47 से जब से कराची में पहुंचे, संगठन इकट्ठा हुआ, तो ब्रह्मा के मुख से वाणी चलना शुरू हुआ। पहले जगत पिता के द्वारा, फिर जो नई सृष्टि रची गई, नया जगत रचा गया, उस नए जगत में पहला पत्ता कौन हुआ? कृष्ण की सोल। तो वो ही कृष्ण की सोल अंतिम 84वें जन्म में आकर के पिता के जाने के बाद फिर वो बच्चा निमित्त बनता है।
टाइटल मिल जाता है बाप का, तो वो भी ब्रह्मा। तो ये दो ब्रह्मा तो है मुख्य, एक तन्मुख और एक पीछे, जो जो ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं वो चार मुख दिखाए जाते हैं। चौमुखी ब्रह्मा भी कहते हैं, चौमुखी महादेव भी कहते हैं। तो एक जस्ट अपोजिट, जैसे कहते हैं स्त्री स्वभाव और पुरुष स्वभाव, स्त्री चोला और पुरुष चोला, एक मेल और एक फीमेल, तो अपोजिट हो जाते हैं। कब? जब आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बनते हैं तब। एक ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। तो ये दो रूप है मुख्य और बाकी तो गौण हो जाते हैं, तीन रूप। क्योंकि ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति के रूप में एक दिखाया है और दूसरा प्रजापिता की सहयोगिनी शक्ति के रूप में दिखाया है। जगदम्बा सदाकाल की शक्ति नहीं है, जगदम्बा की आत्मा सत्युग त्रेता में जीवन साथी बनती है क्या? नहीं बनती। कहाँ बनती है? नहीं, द्वापर कलयुग में भी जीवन साथी बनती रहती, लेकिन सदाकाल नहीं। इस तरह पांच मुख हो गए ब्रह्मा के, दो मुख्य हैं और उनके जब पार्ट खुलते हैं तब समझो उनके 100 साल पूरे हुए। और प्रजापिता का पार्ट खुला तो 100 वर्ष पूरे हो गए। जो आदि ब्रह्मा है वो 100 साल का होता है तो मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास हो जाता है। ब्रह्मा की आत्मा मृत्युलोक में अपनी आयु पूरी करती है तो कहाँ जाएगी? अमर लोक में। तो संक्षेप्तर के बाद उस आत्मा के लिए मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि की शुरुआत हो जाती है, माने मृत्यु होने वाली नहीं है वो आत्मा, अनिश्चय बुद्धि बनने वाली नहीं है। ऐसे ही दादा लिख रहा है ब्रह्मा, सन 47 में 7 साल हुए, 7 साल में प्रवेश हुआ और 60 में 40 और जोड़ दी, 47 में 40 जोड़े तो 87-88 आए। तो 87-88 जब पूरा हुआ तो एक साल अंतिम साल में ब्रह्मा का आना बंद हो गया। उन्होंने सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी, एडवांस पार्टी का संगठन शुरू हो गया। और दो भाई हिरण्यकश्यप में दो भाई थे, एक भाई को कुर्मा सर लेके मार दिया और कुर्मा सर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक भाई को मारा सुअर का अवतार लेकर के, 12 अवतार माना सुअर अवतार, कहाँ सुअर जंगली जानवर और कहाँ जंगल का राजा शेर नरसिंह अवतार। तो दो भाई राक्षस के रूप में दिखाए गए, हिरण्यकश्यप जो
हिरण्य, हिरण्य माने सोना, सोने जैसी तेज वाली आत्माओं को पीता था, और एक उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप, और दूसरा भाई का नाम था हिरण्याक्ष, सोने की आंख थी, अक्ष माने आंख, उसको मारा सूअर के द्वारा, सूअर का रूप धारण किया। तो सूअर कौन होता है, ज्यादा देहवान किसमें होता है, ज्यादा देहवान होता है सूअर में, चमड़ी भी मोटी और बाल भी मोटा, और लोटता कहाँ है, कीचड़ में लोटता है, उसे कीचड़ में लोटने में ही बहुत आनंद आता है। जैसे कहते हैं भैंस बुद्धि, ऐसे ही सुअर, सुकर अवतार दिखाया है। हिरण्याक्ष ने क्या किया था, सारी पृथ्वी को कहाँ ले गया है, पाताल लोक में ले गया, गड्ढे में ले गया। अब पृथ्वी कौन है, जगदम्बा, जगदम्बा कहो, सीता कहो, कुछ भी कहो, वो हिरण्याक्ष जो है उसकी सोने की आंख होती है, मैंने ज्ञान उसकी बुद्धि में होता है, ऐसे नहीं ज्ञान नहीं होता है, तो जान लेता है कि असली चीज ये है, इसको मुट्ठी में करो तो भगवान भी हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, तो पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाता है। उसको उससे लड़ाई करने के लिए फिर रूप धारण करते हैं भगवान सुअर का, और सुअर उसे कुत्ता बिल्ली का अवतार तो होता नहीं है, है? ये वास्तव में आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं की बात है, आधार मूर्त और बीज रूप आत्माएं जो है इस्लाम धर्म की, जब इनकी बुद्धि में असली ज्ञान बैठ जाता है तो ये उस असुर से लड़ते हैं, और लड़ने के बाद पृथ्वी का उद्धार करते हैं। इसलिए कहते हैं जो नीचे गिराने वाले हैं वो ही ऊंचा उठाने के निमित्त बनते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिवान है, तो भी कुछ भी नहीं कर सकते बाकी के रूप में। अभी जो अर्थ बताया ईश्वर सर्वशक्तिवान, जिस अर्थ में समझते हैं ऐसे सर्वशक्तिवान है क्या कि मक्खी मर गई तो उसको जिंदा करेगा क्या? सर्वशक्तिवान का मतलब यह है कि नरक को स्वर्ग बना सकता है, ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, जो दुनिया में काम कोई नहीं कर सका वो काम भगवान आकर के करता है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। और माया सर्वशक्तिमान कैसे है, माया स्वर्ग को नर्क बनाई देती है, इसलिए वो भी सर्वशक्तिमान है। ये है बच्चों के ऊपर, बच्चे जब माया को सहयोग देते हैं तो नर्क बन जाता है, और बच्चे जब बाप को सहयोग देते हैं तो स्वर्ग बन जाते हैं। भगवान न नर्क बनाता है न स्वर्ग बनाता है, वो सिर्फ पहचान देता है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, माया क्या है, रावण क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। श्रेष्ठ कौन है, भ्रष्ट कौन है,
अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। उसने ये काम तो अच्छे को देखता है, एक आम अच्छे को देखता है, एक तो बुरा को देखता है और तीसरा यंत्र तो शिव का है वो किस। तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो, ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। माने ये आंखें ही शिव बाप की नूर है, यानी विराट रूप है ना, ईश्वर भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है। तो उस विराट रूप में आंखें कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं आंखें हैं। कृष्ण की आत्मा क्या देखती है? अच्छाई देखती है बच्चों में या बच्चों की बुराई देखती है? अच्छाई अच्छा देखती है, भले बच्चे कुछ भी करते रहे लेकिन बच्चों की अच्छाई देखना है, बुराई नहीं देखना है। और बाई आंख क्या देखती है? बाई आंख देखती है इन बच्चों में क्या क्या बुराई है, खोद खोद के वो बुराई निकाली है। लेफ्ट आंख, इसलिए त्रिमूर्ति में शिव सुप्रीम सोल के लिए राइटियस आंख कौन सी है? ब्रह्मा। और लेफ्ट आंख कौन सी है? हैं? शंकर प्रजापिता। ये दो आंखें हैं जो अच्छा और बुरा देखने वाली है, दोनों अपनी जगह सही है लेकिन वो दोनों आंखें काम असली तब करेंगी जब तीसरा नेत्र के नजदीक पहुंचे, उसे कहते हैं शिव नेत्र। अगर बुराई भी देखनी है तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? हैं? हाँ, कि इनकी बुराई दूर हो जाए, इनके अंदर जो पाप वासना है वो पाप की वासना दूर हो जाए। और अच्छाई भी है तो अच्छाई भी लगाव पूर्वक नहीं देखना कि ये मेरे हैं इसलिए अच्छे हैं, क्या देखना इनमें जो अच्छाई है वो अच्छाई कब आती है, कहाँ से आती है? मेरे से आती है क्या? बीके वाले हैं, उनको किसकी परवरिश मिली? बीके वालों को आज से लेकर अंत तक किसकी परवरिश मिलती है? ब्रह्मा की। और एडवांस पार्टी वालों, पीवी के वालों को मोस्टली आज से लेकर अंत तक किसकी परवरिश मिलती है? राम वाली आत्मा की। तो जो आदि वाले हैं, ब्रह्मा के फॉलोअर, अभी भी फॉलोअर हैं, ब्रह्मा उनको अपना मानता है इसलिए वहां जाता है बार बार, या शिव बाप का मानता है, अपनापन भरा हुआ है, देवहन भरा हुआ है, इसलिए बार बार वो आत्मा सच्चाई को समझते हुए भी वहां पहुंच जाती। तो चाहे राइटियस आंख हो चाहे लेफ्टिस्ट आंख हो, अगर शिवनेत्र नहीं है तो अपना काम करने में समर्थ नहीं है। शिवनेत्र है, शिवनेत्र से नजदीकी है तो वो अपना सही काम करेंगे दोनों आंखें। राम कृष्ण की आत्माएं 63 जन्म भी कुछ नहीं कर सकी, कर सकी कुछ क्या? कुछ नहीं कर सकी। राम वाली आत्मा दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों के अवगुण देखते हुए उनसे युद्ध करती रही,
तो क्या सफल हो गई? सफल नहीं हुई ना। भले असत धर्म है, असत धर्मों से संघर्ष किया, लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। संघर्ष करने से अपनी शक्ति, दूसरों की तो शक्ति क्षीण होती है लेकिन अपनी शक्ति भी क्षीण होती है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत होती है, और कोई लड़ते 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 जो धर्म की शक्ति है वो सारी क्षीण कर दी, धर्म की शक्ति ही निकल गई, असक्त हो गया और नास्तिक बन गया पूरा भारत। भारत इस समय पूरा नास्तिक है, किसी साकार के ऊपर आस्था नहीं। तो नास्तिक हो गया तो नास्तिक संसार का कल्याण करेगा क्या? कल्याण संसार का कब कर सकेगा? जब कोई के ऊपर आस्था हो। इतनी बड़ी शक्ति है, उसमें कोई के ऊपर तो आस्था होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं शंकर जी को विष्णु के ऊपर आस्था थी और विष्णु को शंकर के ऊपर आस्था थी। तो ये प्रवृत्ति हो गई। कब हुई प्रवृत्ति? जैसे कोई बीज होता है दो दल वाला, तो दो दल वाला जो बीज होता है वो बीच में एक नाक होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही शिव है तीसरा नेत्र। इस तीसरे नेत्र से दो दल जुड़ते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बन जाते हैं। 2,500 साल तक उनकी प्रवृत्ति चलती है, इसलिए उसको शिवनेत्र कहा जाता है। दाई और बाई आंख को शिवनेत्र नहीं कहा जाता। अगर शिवनेत्र नहीं है तो वो क्या है? तीसरे नेत्र को शिवनेत्र कहा जाता है, कल्याणकारी नेत्र। तो बाकी ये दो क्या है? वो शिवनेत्र है ही नहीं। मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र की आंखें, मनुष्य मात्र की आत्मा कल्याणकारी नहीं है। शिव ही कल्याणकारी है। शिव को हम जितना जितना याद में समाते जाएंगे उतना उतना हमारी आत्मा भी कल्याणकारी बनती जाएगी। और चार साल के बाद लीप साल आएगा, वैसे ही संगम युग को लीप युग कहते हैं। तो चार युगों के बाद आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर चौथी साल में कलयुग के अंत में लीप युग आ जाता है, इसलिए लीप युग कहा जाता है। और ओ
आज आधा घंटे का टाइम देंगे। अभी हम अपनी स्टेज को देखें कि हमारी आत्मा कहाँ तक साइलेंस की स्टेज में टिकती है। एक सेकंड टिकती है, 10 सेकंड टिकती है, 5 मिनट टिकती है, या 24 घंटे साइलेंस की स्टेज में टिकी हुई है। आठ घंटे बताया है, 8 घंटे लगातार अगर आत्म की स्थिति में टिक जाए तो समझो साइलेंस की साइंस के ऊपर विजय हो जाएगी। साइंस 5 तत्वों को कंट्रोल करती है, आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकती। और आत्मा 5 तत्वों को भी कंट्रोल करती है और स्वयं को भी कंट्रोल कर लेती है। और जितनी पावरफुल कंसंट्रेटेड आत्मा होगी वो उतने ही ज्यादा प्रमाण में 5 तत्वों को और अन्य आत्माओं को कंट्रोल कर लेगी। ये साइलेंस की पावर है। जो काम 70 साल में ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कर सके देह की भाग दौड़ करके, वाचा का परिश्रम करके, धन दान करके, स्थूल धन, वो काम थोड़े समय में कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा हो जाएगा। परंतु उसके लिए संगठित पावर चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटे बाबा के क्लास में बैठे खुश हो गए और बाकी 24 घंटे घर में जाके धंधा दोरी में बह गए। इसलिए बोला कैसा भी टाइम आवेगा कि तुम बच्चे परमधाम को इस शक्ति पर उतार लेंगे, उस शांति धाम का वाइब्रेशन इस शक्ति पर ऐसा फैलेगा कि बड़े बड़े साइंसदान भी चमत्कृत हो जाएंगे। और क्या पूछा आप थोड़ा? ब्रह्मा बाबा प्रवेश जरूर करते हैं, लेकिन जब प्रवेश करते हैं तो उनका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है या सूक्ष्म शरीर की पावर रह जाती है, खलास हो जाता है। जो सारी सृष्टि का बीज है मनुष्य सृष्टि का, उस बीज के संग के रंग में आकर के ब्रह्मा की सोल भी क्या बन जाती है, बीज रूपी स्टेज में आ जाती है। परंतु वो मन है कौन? ब्रह्मा। वो मन रूपी बच्चा बहुत चंचल है, इसलिए तिरक जाता है।
हाँ जी, तो गुलजार दादी में जाता है तो मानता है क्या? वो तो अपन को क्या समझता है, मैं इतनी बड़ी सभा में बैठा हुआ हूँ तो नशा नहीं चढ़ेगा? और निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते। हाँ तो हाँ गीता पाठशाला है तो सब युगलों के द्वारा चलाई जाती है। अगर अकेली माता चलाती भी है तो कोई बुजुर्ग माता को तब तक नियुक्त किया जाता है जब तक कोई युगल नहीं निकलते हैं। वो तो मजबूरी की बात हो गई। गीता पाठशाला वाले खुद प्रवृत्ति मार्ग के होंगे तो प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखा सकेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां निवृत्ति मार्ग वाले होंगे वो प्रवृत्ति में रहने वालों को राजयोग क्या सिखावेंगे? जो प्रवृत्ति में रहने वाला है, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ सोते हैं, साथ साथ जिंदगी के सारे कर्म करते हैं, वो समझते हैं कि साथ में रह करके इंद्रियों पर विजय पाने में क्या अड़चन आती है, तो वो सिखाने के काबिल हैं। और जिनको पता ही नहीं है कि साथ में रह करके इंद्रियों पर विजय पाने में क्या कठिनाई आती है, वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? हाँ, हिंदू पंचांग में सात संवत्सर बोलता है। वो कौन बोलता है? हिंदू पंचांग में। हाँ, जो हिंदू पंचांग में बोलता है वो कौन बोलता है? बोलता कौन है? हाँ, कौन बोलता है? कौन है वो जो काल संबत लिखा है? लिखने वाले लोग कौन है? हैं? अरे मनुष्य ही है ना, मनुष्य है लिखने वाले या भगवान है लिखने वाला? है जी, जो काल पंचांग आदि बनाया हुआ है और उसके आधार पर जो ज्योतिषी की गणना की जाती है, उस गणना के आधार पर ये एटमिक एनर्जी कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। उनको पता ही नहीं है एटमिक एनर्जी सबका विनाश करने वाली है, वो पंचांग फेल हो जाता है। और बाबा, ये कर्नाटक में जो पंचांग फेमस है वो बनके सिर्फ 120 साल हुआ। हाँ, उससे पहले? उससे पहले कुछ शायद उतना तेजी नहीं हुआ, बाद में ही बना। नहीं बना, अभी अभी आया है कर्नाटक। हाँ, ज्यादा अंधश्रद्धा फैलाने के लिए। ये काल आए तो शादी करो, बर्बादी नहीं होगी। ऐसे काल में शादी नहीं करो, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। है यहाँ दास दासी बन जाएंगे, देखने में आएंगे कि ये दास दासी कर्म कर रहे हैं,
उसके बाद की बात है। अरे एक तो बात की बात नहीं है जी, एक बात है। आठ को क्यों लेते हैं? आठ दास दास ही बनने वाले हैं क्या? बाबा अभी मुरली में कहा वहाँ फर्स्ट क्लास फर्नीचर होगा। हैं? ये कहाँ की बात सच्ची की? यस, संगम युग की सच्ची। हाँ, संगम युग की भी बात है, संगम की भी बात है। ये फर्नीचर का मतलब क्या होता है? जहाँ भी रहेंगे, जैसी सच्ची में भी रहेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ जी बाबा, हमारे ज्ञान बड़े ज्ञान के बारे में, हमारे अनुभव के बारे में सभी महिला मैगजीन में डाल सकते हैं क्या सेवा के लिए? मैगजीन छापने वाले जो अगर डालते हैं तो डालो। हमारे डालने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो मैगजीन या अखबार छापने वाले हैं वो खुद समझ करके डालें तो कुछ बात बनेगी। हम पैसे दे दें या वो हमारे प्रभाव में हो छाप दे, उससे कुछ नहीं बनेगा। जो मैगजीन या अखबार वाले हैं वो खुद बात को समझें, ज्ञान की गहराई में पहुंचे। फिर आवाज निकलेगा। बाबा तो ये बार सीजन की लास्ट आदेशवाणी में बाबा ने कहा है आप तो भाग्य पा लिया, दूसरों को भाग्य पाने का चांस दो। मतलब दूसरों को हाँ पा लिया, ये स्टेज होनी चाहिए। अपनी चिंता न रहे, हमने जो कुछ पाना था सो पा लिया, हमने जितना पाया उतना और किसी ने नहीं पाया, ऐसे अंदर से खुशी चढ़ जाए तो दूसरी आत्माओं की अच्छी सेवा होगी। खुद ही गम के वाइब्रेशन में रहते हैं तो दूसरों को भी गम बांटेंगे या खुशी बांटेंगे। और जन्नत में हैं? एनस में जो गति है हाँ, एनस में भक्ति होती नहीं। जिनको मिल गया उनको गद्दी रखने की दरकार है? अरे जिनको लगातार दृष्टि मिल रही है उनको अलग से थोड़े समय के लिए दृष्टि की दरकार है? जैसे आज की दुनिया में फंक्शन करते हैं, उत्सव करते हैं, तो क्यों करते हैं? कि ज्यादा समय दुख में रहते हैं तो थोड़े समय के लिए उत्सव कर लेते हैं, ऐसे ये भी बात है। माने महीने में दो घंटा सही है। वो तो देखने में आता है ना कि जब बाबा की वाणी बैठ सुनते हैं तो खुशनुमा चेहरा हो जाता है, बाबा का फोन आ जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और बाकी बाकी दुनिया वालों के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा हर समय है तो और भी बहुत प्रसन्न है, तो बाप समान स्टेज कब बनेगी? वो नहीं बननी है। यथा राजा तथा प्रजा कब बनेंगे? बाप को भी वही खुशी हो,
परिवार के बारे में बाप को भी वही खुशी हो और परिवार के छोटे बड़े सब भांतियों को भी वही खुशी हो जो बाप को खुशी हो। एक ही काय के लिए एक है क्या मानो? एक माने परिवार सभी जगह भी एक परिवार है? एक माने परिवार परिवार तो परिवार है नंबर वार। बाबा इसका पहले बोला बाबा दुनिया के पीछे बोला सभी कैसा कुछ है बाबा। हाँ लेकिन मुकाबला देखा जाता है कंट्रास्ट किया जाता है क्या कंट्रास्ट सामने तो आएगा ना एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में एक माला का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा तो नंबर वार तो संगठन होंगे ना फाउंडेशन पड़ रहा है अभी तो कोई प्रत्यक्ष में थोड़े ही बन गया है फाउंडेशन तो अंडरग्राउंड डाला जाता है है? हाँ जी फाउंडेशन डाला जाता है तो उसमें ईंट पत्थर सब सब डाल दिए जाते हैं ऊपर जो कंगूरे बनाए जाते हैं वो अच्छे अच्छे पत्थर के अच्छे अच्छे ईंटों के बनाए जाते हैं वहाँ भी रोज क्लास होता है क्या बाबा एनएस में भी रोज क्लास होता है क्या बाबा जितनी भी सीढ़ियाँ आई हैं उन सीढ़ियों में कोई एक सीढ़ी ऐसी देखी जिसमें एनएस का क्लास देखा हो है? नहीं निकाल रहे मैंने जानबूझ के नहीं निकाल रहे संशय बुद्धि शायद ऐसा होता होगा माने अनुमान से नुकसान शायद माने क्या शायद माने नुकसान या पक्का अरे तो शायद नहीं कहना चाहिए ना हाँ जी और वो तो झाड़ का चित्र जब समझाते हैं तो बताया गया ना कि चेंस जो होते हैं उनमें क्रोध होता है और क्रोध के आधार पर वो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाते हैं और दिखावा ऐसा करते हैं कि हम बड़े सभ्य हैं बहुत रायल हैं रॉयल्टी दिखाई पड़ती है लेकिन अंदर से सारी दुनिया का विनाश का सामान जैसे अंदर भरा पड़ा है ईर्ष्या देश भरा पड़ा है जो चार मुख्य धर्म है उन चार मुख्य धर्मों में सबसे लास्ट का धर्म है तो फोर्थ क्लास हुआ या फर्स्ट क्लास हुआ फोर्थ क्लास उसका सूत्रपात करने वाला कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियनिटी का सूत्रपात करने वाला फाउंडेशन डालने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है, है? एक है तो उनमें जो एक है वो एक किसका बाप है
वो क्रिश्चियंस का बाप है, वो एक तो दास दासी बनेगा, फिर वो कौन है जो दास दासी नहीं बनता है? नहीं ऐसी बात नहीं, कृष्ण की आत्मा सत्युग के आदि में दास दासी बनती है क्या? नहीं बनती। तो उससे कृष्ण की आत्मा की भेंट करना ये नहीं हो सकता। कहां कृष्ण की आत्मा और कहां क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा तो फिर भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला पत्ता है। सन 36 में नहीं आया? सन 36 में भी आया लेकिन फोर्थ नंबर पे आया। बाबा ने कहा है बलि बनाया अंतिम दिन, क्योंकि वो आपने आप लोग को बुलाए उस तरह से तैयारी करो। हाँ इस तरीके से उन लोगों को बाकी बनने दो। ठीक है बुलाया अभी ठीक है, वो अपनी स्टेज बनाए, हमको स्टेज बनाने में खर्चा न करना पड़े, वो हमको अपनी स्टेज पर बुलाएं और हम वहां जाकर के बनी बनाई स्टेज पर बाप को प्रत्यक्ष करें। तो फिर आदमी लोग जो बाहर से पैसा कलेक्ट करके जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो ठीक है, उनकी बात ही नहीं है, वहाँ दिखावा हो रहा है, ये असलियत है, रियल है या अनरियल है? हम राजयोग सीखने वाले राजा हैं या प्रजायोग सिखाने वाले प्रजा वर्ग हैं? हमारा लक्ष्य तो राजा बनने का है, उनका लक्ष्य क्या है? प्रजा बनने का और प्रजा बनाने का। बल कहते हैं, जैसे सन्यासी लोग विदेशों में जाके कहते हैं हम राजयोग सिखाते हैं, झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाबा इसका मतलब चलती सूक्ष्म यज्ञ के आदि में तो चारों बीजा था उधर? तब तो मुरली में बोला है कि बंगाल में पहले चार घोड़ों की गाड़ी बनाते थे, ये बात बाबा को बोलने की क्या दरकार पड़ गई? जो गीता है उसमें पहले पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया जाता है रथ और चार घोड़े, वो आदि में ही चित्रित हो चुका। शंकराचार्य वो वैष्णव कहाँ है? रामानुजाचार्य। ठीक है जो शंकराचार्य है वो कहते हैं अद्वैत, एक ही सत्य है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। माध्वाचार्य रामानुजाचार्य उनकी थ्योरी अलग है। क्या बोल रहे हो उनके बारे में? विशिष्ट अद्वैत क्या फर्क होता है? वो रामानुजाचार्य कहते हैं
अद्वैत का मतलब है एक, सब में एकता हो, जो एक बोले वो सब बोले, जो एक की दृष्टि वो सब की दृष्टि, जो एक की धारणा वो सब की धारणा, जो एक का मत वो सब का एक मत, एक धर्म है, एक राज्य, एक भाषा, दूसरी कोई भाषा नहीं, उसको कहते हैं अद्वैत। झगड़े का सवाल ही नहीं। और जहां द्वैतवाद होता है वहां हर बात में दो दो बातें। परिवार एक है लेकिन बातें अनेक प्रकार की है। एक ही घर में बच्चा कांग्रेसी, बाप समाजवादी और पत्नी जनता पार्टी में, ये तो कर्नाटक जोन है ना, इसलिए आप कह रहे हैं। दिल्ली को काशी, क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा देवी जो है वो मम्मा की याद करती है। काशी में अन्नपूर्णा देवी जब काशी है, काश्य है, तो जहाँ तेज है वहाँ सारी दुनिया का सब कुछ है। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। काशी नगरी आधार है और काशीनाथ बीज है। इन दोनों के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है। नई दुनिया नहीं बनती है, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। तो काशी में वो सभी गुण विराजमान है। जो स्त्री शक्ति में होना चाहिए, ये रुद्रमाला के दो मुख्य बीज हैं। सूर्यवंशियों के माता पिता, उन सूर्यवंशियों के 12 मणकों में सारी दुनिया समाई हुई है। जैसे 12 राशियों में सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र समाये हुए हैं। मैंने 9 लाख आत्माएं जो है वो ज्ञान की रोशनी पूरी धारण कर लेंगी। जब ज्ञान की स्थापना बुद्ध रूपी धरणी में हो जाएगी तो स्थापना के साथ साथ विनाश भी जरूर होगा। एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश। 9 लाख आत्माओं में 4.5 लाख तो प्रवेश करने वाली, चंद्रमा के साथ रहने वाली, और 4.5 लाख शरीरधारी। जो अलग अलग धर्मों से कनेक्ट हो जाती है, क्या होगा? तो मैं
राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो राधा कृष्ण जन्म लेने वाले दो और उनको जन्म देने वाले दो, बाकी जो होंगे वो प्रजावर्ग कहे जाएंगे या राजा कहे जाएंगे, बाकी प्रजा हो गई। ऐसे ही उनकी संख्या बढ़ेगी। क्या 108 रुद्रमाला और 108 विजयमाला और फिर उनके बच्चे, जैसे दिलवाड़ा मंदिर में माता पिता के रूप में हर कोठरी में तपस्वी बैठे हुए और उन तपस्वियों के बीच में दो बच्चे बैठे हुए, तो कितने हो गए? चार आत्माएं हो गई, दो जन्म लेने वाली और दो जन्म देने वाली। तो 2018 में जो राधा कृष्ण की बात बताई जा रही है वो तो सिर्फ चार आत्माओं का ही करिश्मा है। हाँ, ये 36 तक बढ़ते रहेंगे। मैंने 216 आत्माएं जी, 108 216 हो गई, 206 में आखिरी 7 दिनों में 107 बम विस्फोट हो जाएंगे। जैसे दीपावली पर बच्चे बम छोड़ते हैं तो पहले छोड़ते रहते हैं आखिरी सारे में आग लगा देते हैं। अब अभी बाबा ने थोड़ी में कहा दादा के द्वारा बाप का वर्षा मिलता है, तो दादा है ही नहीं। दादा द्वारा बाप का वर्षा मिलता है, दादा और बाप, दादा हुआ ब्रह्मा, जो ब्रह्मा में बड़ी माँ जगदम्बा में प्रवेश करता है, और बाप तो बाप है ही, बाप का वर्षा दादे के द्वारा मिलता है। जो दादा है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा, तो उसके द्वारा वर्षा मिलता है। जगदम्बा है सब बच्चों को वर्षा देने वाली, और जगदम्बा को वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है, जगत पिता से मिलता है। जब तक जगदम्बा जगत पिता से वर्षा न लेवे तब तक बच्चों को भी वर्षा नहीं मिल सकता। तो जगदम्बा कहो ब्रह्मा कहो बाप एक ही है। देखो मुरली में बोला है ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, वास्तव में जगदम्बा जगदम्बा नहीं है, वास्तव में जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा। बाबा अभी शिव बाबा और प्रजापिता के लिए बाप दादा का था ना बिमरे का? शिव बाबा माना राम की सोल जिसमें शिव प्रवेश है मुकर्र रूप से, वो शिव बाबा एक पर्सनालिटी। शिव बाबा भी बताया साथ में प्रजापिता भी बताया ना? प्रजापिता में शिव प्रवेश है माना शिव बाबा, प्रजापिता साकार और शिव निराकार। कहाँ अलग अलग बोला? शिव बाबा तो उस अर्थ में कह दिया जिस अर्थ में ब्रह्मा कुमार कुमारियां उस समय समझते थे। है कभी कभी बच्चों की भाषा में माँ बाप बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे ही है। आप
बाप डर गया भस्मा सुख को क्यों भागा भस्मा सुख को क्यों भागा दुनिया के डरपोक लोग हैं वो समझते हैं जैसे हम डरपोक हैं तो भगवान भी डरपोक होगा इसलिए भागा लेकिन है बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की भारी युक्ति है वो भागा इसलिए कि अगर आमने सामने लड़ाई हो जाएगी तो सारी दुनिया उस युद्ध में फां हो जाएगी इसलिए ना सांप मरे और न लाठी टूटे इसलिए कृष्ण भगवान को भागना पड़ता है गांवों गांवों में कंस के डर से लोग भक्तों ने ये कहानी बनाई दी है और राम को भागना पड़ता है जंगलों जंगलों में राम भी तो भगवान थे ना उनको जंगलों जंगलों में भागना पड़ा और रावण महल में रह करके आराम से रथ पे सवार होकर के लड़ाई लड़ता था ये युक्ति है कि संसार में खून खराबा ना हो और काम भी पूरा हो जाए लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है इसलिए अपनी वैराग्य वृत्ति को जगाओ इसका लगाव पूर्वक सेवा करेंगे तो असली प्राप्ति नहीं होगी बुद्धि इंगेजमेंट में आ जाएगी और निस्वार्थ सेवा करेंगे तो उसका फल निकलेगा असली वैराग्य आवेगा वैराग आता है तभी ज्ञान उठाया जाता है हैं अहिमाने होता है सांप रावण माने रावण जो कथा कहानियां बनाई हुई है उनमें रावण के साथ अहिरावण भी दिखाते हैं जैसे जनक के साथ अनुजनक दिखाते हैं राधा के साथ अनुराधा दिखाते हैं माने विशेष और भीषण माना भयंकर घर परिवार से बाहर जो लोग होते हैं वो बड़े दुश्मन नहीं होते हैं लेकिन परिवार के अंदर के जो दुश्मनी कर जाते हैं विरोधी बन जाते हैं वो बड़े भयंकर होते हैं उसके कारण ही तो रावण का वध हुआ नहीं तो वध भी नहीं हो पाता क्यों नहीं चाहिए इसलिए तो लिखा हुआ है कि अंत में ऐसी माया फैलाई कि सब असुर आपस में ही लड़मर के खलास हो गए दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो तेरे किसको कहा जाता है प्रजापिता को तो प्रजापिता का पार्ट विभीषण भी है वो अंदर घुस जाता है और अंदर सब कुछ समझ लेता है और समझने के बाद राम की पाला में आ जाता है निराकार राम है वो ब्राह्मण परिवार से नहीं निकले
जो भी एडवांस पार्टी में आए हैं वो कौन से परिवार से आए हैं? हैं? पिछले जन्म के हैं तो भी कौन से परिवार से आए? तो भी ब्राह्मण परिवार से आए। इस जन्म में आए तो भी ब्राह्मण परिवार से आए। रावण था ही ब्राह्मण, तो जो आए वो विभीषण भी ब्राह्मण हुए। रावण को रावण ब्रह्मा कहते हैं, कहते हैं कि विभीषण को विभीषण ब्रह्मा क्यों कहते हैं? विभीषण ब्रह्मा कहाँ कहते हैं? रावण को ब्रह्मा कहते हैं। रावण को ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि रावण के जो पांच सिर हैं वो पांच विकारों के सूचक हैं, और पांच जो स्त्री मुख हैं वो स्त्रीत्व के सूचक हैं, जड़त्व के सूचक हैं। मंदोदरी कहा जाता है, मंद उदर वाली, बुद्धरूपी पेट मंद है। ऐसे तो भगवान को भी, वो रावण को भी समझाती है कि तुमने गलत काम किया, लेकिन फिर पक्ष किसका लेती है? रावण का ही पक्ष लेती है। इतनी ताकत नहीं है कि रावण का मुकाबला कर सके जैसे विभीषण ने मुकाबला किया राम की शरण में आकर। हाँ जी, कहाँ किया मुकाबला, और ही सत्यानाश कर दिया पूरा परिवार का। प्रकृति जब तामसी रूप धारण करेगी तो चाहे एडवांस का दुनिया हो, चाहे आधार मूर्तों की दुनिया हो, और चाहे बाहर की दुनिया हो, सारी दुनिया को विकार खलास नहीं करेंगे। कौन खलास करेगी? प्रकृति के पांच तत्व खलास करेंगे। हाँ जी, राम बाप का लक्ष्य क्या है? भगवान राम बाप, बाप अगर भगवान है और बाप का लक्ष्य क्या है, और जो सहयोग देने वाला उसका लक्ष्य क्या है? और चलो, टाइम हो गया।